जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एमोलेड डिस्प्ले जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, 15,000 के अंडर स्मार्टफोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है। आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के मुकाबले एमोलेड डिस्प्ले काफी अच्छी मानी जाती है। तो आज जो हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोमैक्स N02, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है 25 जनवरी को। तो आज जो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, आपको कुछ स्पेसिफिक जो लीक यहां पर निकल के आई है, माइक्रोमैक्स ने ऑफिशियली लॉन्च करने का यानी कि ट्विटर पर ट्वीट किया है कि ये 25 तारीख को 25 जनवरी को जो इस इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। तो कुछ लीक्स निकल के आ रही है, आज जो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर, किस तरीके का कैमरा, क्या फीचर्स आपको स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको जो बैक में आपको डेजिंग ग्लास की फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है, फ्रंट आपको ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने के लिए मिलता है, और फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है। तो ये ओनली ऑन लीक्स ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली अभी तक माइक्रोमैक्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल तरीके से जो अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि यही चीज़ आपको स्मार्टफोन में देखने के लिए मिले। गाइस अगर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको जो 6.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 15,000 अंडर स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, यानी कि जितने भी ज़्यादातर स्मार्टफोन आते हैं 15,000 में, तो उसमें आपको जो एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आईपीएस के मुकाबले एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है। उसमें जो एमोलेड डिस्प्ले में कुछ आपको जो अच्छे तरीके से कलर ग्रेडिंग जो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देती है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में इतनी अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग नहीं दिखाई देती है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले में आपको कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी तरीके से दिखाई देती है। गाइस बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको जो मीडियाटेक हिलियो G95 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि ज्यादातर गेमिंग स्मार्टफोन में यूज किया जाता है। तो ये एक गेमिंग को ही ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेसर को इस वाले स्मार्टफोन में डाला है। तो गेमिंग को ध्यान में रखते हुए माइक्रोमैक्स ने गेमिंग को ध्यान में रखते हुए जब भी स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा रहा है कि गेमिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के 2022 में, तो यहाँ पर जो गेमिंग को ही ध्यान में रखते हुए इस वाले स्मार्टफोन में हिलियो G95 जो प्रोसेसर दिया गया है। गाइस बात करते हैं कैमरे की, तो इसमें आपको जो क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने के लिए मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा ही इसमें जो बताया जा रहा है, और जो मतलब जो इसके लीक्स निकल के आए हैं उसमें ऐसा ही बताया जा रहा है। जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तो उसके बारे में आपको जो इंस्टाग्राम पर आपको पोस्ट मिल जाएगी, तो आप जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक पंच होल कैमरा देखने के लिए आपको मिल सकता है। गाइस बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन की, तो आपको जो राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाता है, और ऊपर की तरफ आप वॉल्यूम लॉकर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो इसमें आपको 3.5 mm जैक, सिंगल स्पीकर ग्रिल, और आपको जो टाइप सी का जो आपको इसमें पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और फीचर्स की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसमें आपको जो है सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। यही लीक्स अभी तक जो है निकल के आ रहे हैं। गाइस कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको जो ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिल जाता है, वाईफाई डुअल बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही इसमें रेडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और अगर साथ ही अगर इसकी फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है, और कुछ अगर जो भी आपको सेंसर स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलते हैं सारे ही सेंसर आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल सकते हैं। गाइस बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल सकते हैं, 33 वॉट का फास्ट चार्जर दे आपको बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। गाइस बात करते हैं इसके प्राइसिंग की और कलर्स की, तो इसमें आपको जो 2 कलर देखने के लिए मिल सकते हैं, एक ब्राउन कलर और एक ब्लैक कलर। साथ ही प्राइसिंग की बात करें तो ये जो आपको 15,000 के अंडर देखने के लिए मिल सकता है, और साथ ही अगर मैं और इसमें अगर वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, 4+64 GB और 6+128 GB। तो ये ही
वेरिएंट आपको दो ही वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा और दो ही आपको कलर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तो आपको जो इंस्टाग्राम पर आपको पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम की मेरी स्टोरी में पता चल जाएगा, तो आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लूंगी, मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।